दो दिन बाद आपकी शादी है ना, आ सकती हूँ ना मैं आपकी शादी में? आप बिल्कुल मेरी शादी में आ सकती हैं। से मेरा हक छीनने की कोशिश की ना तूने, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। कमाल की बात है सर, कनेक्शन तो सारे ठीक हैं, फिर ब्लास्ट कैसे हुआ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वोल्टेज में अगर कोई खराबी होती तो स्विच ट्रिप हुआ होता, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सर मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरा कोई काम है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। बहू कहाँ खोई हुई हो? ज्यादा सोचो मत, शुक्र मानो कि किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन ज्यादा दिन तक शुक्र नहीं मना पाएगी ये बुढ़िया। अभी इसका बही खाता खोला ही कहाँ है मैंने। क्या हुआ, उधर क्या देख रही हो? बोल दे इस बुढ़िया को कि मौत देख रही है इसकी। इस बुढ़िया का तो मैं ऐसा हश्र करूंगी ना कि तू बस देखती जा, और वो भी तेरे शरीर के साथ। बस गणपति का चंदा। अच्छा बेटा रुको, बहू अंदर से 500 रुपए लाना। तो अरे क्या हुआ बहू, बोला ना 500 रुपए लाओ, उस बच्चे को गणपति का चंदा देना है। सुन लिया है मैंने, बहरी नहीं हूं मैं, मुझे नहीं देना कोई चंदा मंदा। तुझे देना है तो तू दे। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? नाटक क्या कर रही है? और ऐसा क्या कर दिया मैंने तेरे साथ कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? अगर मैं चाहूं ना तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? उसने सोचा मेरे बारे में, हाँ? तो फिर मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? उस बुढ़िया को लगा कि दान पुण्य करके उसका जीवन ठीक हो जाएगा। ऐसा बदला लूंगी उस बुढ़िया से कि उसकी आत्मा भी कांप जाएगी। उस बुढ़िया की वजह से ही तो मैं तुझ जैसी सौतन को अपने पति से बांट रही हूं ना। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं उस बुढ़िया से। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी नरक हो रही है। क्या किया है ऐसा मैंने तेरे साथ? तेरा शरीर ही तो इस्तेमाल कर रही हूँ ना,
और बदले में अपना पति भी तो बांट रही हो ना तुझसे। देख, इंसान का लालच छूटते नहीं छूटता। इसलिए बोल रही हूँ, जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसे चलने दे, नहीं तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। मेरे बारे में अगर तूने किसी के सामने बताने की कोशिश की ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैम पार्सल। पार्सल जी। पर हमने तो कुछ नहीं मंगवाए। एड्रेस क्या है देखो। एड्रेस तो यही है, इसमें है क्या? जी मैम, चिकन तंदूरी। चिक राम 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 राम, हम लोग नॉन वेज ऑन वेज नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा, जिसने ऑर्डर किया है उसने अपना नाम तो लिखवाया होगा? इस पे तो सीमा लिखा हुआ है। सीमा जी, यहाँ तो कोई सीमा वीमा नहीं रहती है, कुछ गलती हुई होगी। तुम आके देखो। कोई गलती नहीं हुई है, बिल्कुल सही जगह पे आए हो तुम। रात गए क्या कर रही हो, सोई क्यों नहीं? बहू क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा है बुढ़िया, अब तुझे खाऊं क्या? ये क्या बदतमीजी, मैं कब से देख रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसके बाद तो तुम इसी तरह से बात करोगी। देखो तो मैं ये भी कर सकती हूँ, बता क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा? राजेश, राजेश बेटा, तुझे मेरी शादी नहीं होने देना हरेश के साथ। देख, फिर भी मैं आ गई और शादी भी कर ली तेरे बेटे के साथ। बेटा, ये क्या कर रही हो? इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, माँ को छोड़ो। अभी तक ले, अब झेल इसका कहर तू। Thank you.
देख बेटा, तू माने या ना माने, कल रात को मैंने जो देखा ना, वो अमिता नहीं थी। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? मुझे तो तब भी शक हो गया था जब बरसों बाद इस घर में सीमा का नाम सुना। सीमा का नाम किसने लिया? अरे वो पार्सल, वो नॉनवेज सीमा ने ही मंगवाया था। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? सीमा तो, अरे वो सीमा ही थी जो कल रात को अमिता पर सवार थी। तुम्हारा मतलब है? मुझे तो लगता है वो अफवाह सच थी। सीमा अब इस दुनिया में नहीं है, और जीते जी वो जो पा ना सकी, तो मरने के बाद सब कुछ छीनने आई है। क्या क्या छुपाया है आप लोगों ने मुझसे? उसका तुम दोनों से कोई रिश्ता है, इसलिए वो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ी है। करा तुम दोनों ने और भुगत मैं रही हूँ। नहीं अमिता, तुम गलत समझ रही हो। कौन है ये सीमा जिसने मेरी जिंदगी नरक बना के रखी है? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? क्यों क्यों वो आपको अपना पति समझती है, जिसके अतीत की परछाई मेरी शादीशुदा जिंदगी में ग्रहण बन गई है? आज चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं ये जान के रहूंगी कि ये सीमा कौन थी। ये मेरे अतीत का वो काला पन्ना है जिसे मैं खुद भी दोबारा नहीं पढ़ना चाहता। मैंने तुम्हें कुछ भी इसलिए नहीं बताया, मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो सामने वीराना घर देख रही हो, मैं एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। हम लोगों का बचपन इसी मोहल्ले में गुजरा है, लेकिन मैं बस उसे इतना ही जानता था जितना एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जानता है। फिर अचानक कॉलेज में मुझे खून से लिखे हुए लेटर्स मिलने लगे। उन लेटर्स में किसी का नाम नहीं लिखा होता था। फिर कुछ दिनों के बाद में वो लेटर्स घर पर आने लगे। इन लेटर्स को देखकर माँ मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन सीमा ने हिम्मत कर उन लेटर में अपना नाम लिख दिया। तो माँ तुरंत उन लेटर को लेकर उसके घर पहुंची और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सीमा की माँ ने अपनी बेटी की हरकतों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि वो भी उसकी हरकतों से परेशान है। उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी शादी तय हो गई। लेकिन शादी के दिन पता चला कि सीमा ने सुसाइड कर लिया। सीमा! मेरे बच्चे! लेकिन कई बार मर के भी नहीं मिलती मुक्ति, नहीं मिली मुझे मुक्ति, जीकर भी नहीं मिली और मरने के बाद भी नहीं मिली। इसलिए मैंने सोचा जीकर तो मुझे मुक्ति नहीं मिली, कम से कम मर के मैं तुम्हारी हो जाऊं। क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम्हारा प्यार। ये संभव नहीं है, तुम्हारा प्यार सिर्फ एक तरफा था। नहीं, मेरा प्यार एक तरफा नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने भी तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए है, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। बहुत प्यार करते हो ना इससे, ऐसे नहीं मानोगे तुम। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? अमिता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
आप लोगों ने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें पहले कुछ समझ में ही नहीं आया, जब तक समझ में आया बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो खुद अमिता को ताबीज पहनाया था जो बहुत ही सिद्ध किया हुआ था। ताबीज? कैसा ताबीज? मैंने तो कभी कोई अमिता के हाथ में कोई ताबीज नहीं देखा। तुझे क्या लगा मैं वो ताबीज बना रहने दूंगी? मैंने उसे पहले से ही ठिकाने लगा दिया था। अब इस शरीर में या तो मैं रहूंगी या तो मैं इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। राजेश, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें वो ताबीज बहुत जल्दी ढूंढना होगा, वरना ये सब कुछ तबाह कर देगी। पर वो ताबीज मिलेगा कहाँ? अगर ताबीज इसने लिया है तो जरूर इसी के घर पे होगा। नहीं, तुम नहीं सकते। मैं इसके घर ताबीज ढूंढने जाता हूँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है ताबीज मिल गया होगा और उसने इसका शरीर छोड़ दिया है। मैं इसे खोल देती हूँ। नहीं नहीं, रुक जा, रुक जा। मत खोलो, मैं मना करती हूँ। मत खोलो, ये कोई, ये जरूर कुछ छल छल कर रही है। उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसको खोलना ही होगा। मत खोलो। तेरा खेल खत्म, बीवी को छोड़।
दीदी गणपति का प्रसाद।